सर्दी आ गया है। सर्दी के कपड़ों का लेटेस्ट खजाना आपकी अपनी राजधानी में। पालिका शिक्षण मंडल में स्कूल बोर्ड में 1000 पेंशनर है टीचर, उनका थकित महाराष्ट्र सरकार की तरफ 13 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 13 करोड़ से ज्यादा है। और आज जो रिटायर्ड टीचर है, आज उनकी जो समस्याएं हैं, आज जो उनको ये रिटायर होने के बाद में जो समस्याएं है, घर चलाना है, दवा गोली है, जो उनके शादी ब्याह है, जो उनके परिवार चलाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना है, और 13 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ थकित है, बाकी है। इसके लिए आज डिमांड लेकर प्रशासक साहब से मिलने आए थे, योगायोग से वो है नहीं, लेकिन अकाउंटेबल शिक्षण मंडल के जो प्रशासक है मैडम और इन लोगों से बातचीत हुआ है, उन्होंने डिमांड सरकार तरफ भेजी है और हम भी पार्ट पुरावा सरकार तरफ से करेंगे कि जो रिटायर्ड टीचर है उन लोगों को जो 13 करोड़ रुपए सरकार से दिलाने का पूरा हम प्रयत्न करेंगे। दूसरा विषय ऐसा है कि जो आज के जो शिक्षण मंडल के जो शिक्षक है, टीचर है, उनको अक्टूबर का भी अभी रेगुलर पगार नहीं हुआ है और ये नवंबर का भी नहीं हुआ है, तो यही डिमांड लेके आए थे कि एक थकित हो गया है एक महीना, तो रेगुलर पगार इनका होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिसंबर तक ये दोनों पगार जो है थकित हम उसको दे देंगे। मैं प्रशासक कमिश्नर साहब से ये बोलना चाहता हूं, हमारी डिमांड है कि आप महानगर पालिका में जो भानकाम विभाग है, जो वहां के मतदार है, जो बड़े मतदार है और जो आप आबो टेंडर दे रहे हो, अगर वो आबो टेंडर अगर की रकम बच जाएगी, अगर 100 करोड़ का काम गया तो 10% अब हो गया तो 12 करोड़ रुपए, कुछ 10-12 करोड़ रुपए इनका हो सकता था पगार, लेकिन वो उधर चले जा रहे हैं। तो अगर कंपटीशन करवाएंगे, अगर राजकीय लोगों का दबाव नहीं रहेगा और अगर कंपटीशन हो गया तो बिलो में काम होगी, तो ये जो 10-12 करोड़ रुपए बच सकता था और इनका प्रश्न हल हो सकता था। अभी और कुछ टेंडर है, मैंने देखा कि किसको 5% आबो, कोई 60% आबो चल रहे, तो ये आबो की जो पद्धत है ये अगर प्रशासक साहब ने बंद कर दिया, एस्टिमेट रेट या बिलो काम अगर कंपटीशन होगा तो पैसा महानगर पालिका का बचेगा और मैं समझता हूं इन लोगों को महानगर पालिका में आना नहीं पड़ेगा और रेगुलर इनको पगार हो सकता है, इनकी पेंशन हो सकती है। लेकिन राजकीय दबाव के अंदर अगर ये पद्धत रही कि आबो टेंडर, हर टेंडर को अगर आबो दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि मालेगांव महानगर पालिका का भी आर्थिक नुकसान है और जो जनता, जो शहर की आवाम जो टैक्स देती है उसका दुरुपयोग हो रहा है, यह ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। विनती है प्रशासक साहब, ठीक है कल तक नहीं समझ रहूंगा, लेकिन हमने आपकी नजर के सामने ले आया तो इसके ऊपर जरूर फेर विचार करो और महानगर पालिका को बचाओ और ये लोगों का पगार दो, ये विनती है। आप बोल रहे कि राजकीय दबाव के अंदर ये काम हो रहा है, आपने बोला कि मैं अभी उनको उनकी नजर के सामने ला रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर उन्होंने ये चीजों को नजरअंदाज करते तो फिर आपका अगला कदम क्या? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राजकीय दबाव, स्पष्ट मेरा मत यह है, मेरा यह मानना है, मैं भी नगर सेवक रहा, महापौर रहा, आमदार हुआ, 3 टेंडर जब आते हैं तो हर हाल में वो राजकीय दबाव के रहते हैं। अगर 5 टेंडर 10 टेंडर अगर कंपटीशन में आएंगे तो राजकीय दबाव के नहीं रहते। अगर कमिश्नर साहब ने एक प्रशासक का पावर है, डबल पावर बढ़ गया और उसके ऊपर उन्होंने विचार करना, और अगर विचार नहीं करेंगे तो इससे पहले मैंने कहा कि हमारी जो तैयारी है, हमने तो कुछ पेपर वगैरह पुरावे मांगे महानगर पालिका से, पुरावे हमको हाथ लगने साथ ही हमारा तो आंदोलन निश्चित है।
स्पेशल हमारे मसले पे ध्यान दिए। हाँ इन्होंने ही बोले मेरे को यार तुम कल चलो मेरे को बाहर बाहर सब मालूम पड़ रहा है। नहीं हम नहीं करते, इन्होंने बोले मेरे स्कूल में कल आए और बोले कि यार तुम्हारा बोले इतने सब बाकी और तुम मेरे को बता भी नहीं रहे। बोले कल सब आओ बोले मैं तुम्हारा सब मसला हल करता। बोले इन्होंने ही कहा है तो ये खास तौर पे हम खुशी तौर पे अपने माजी आमदार है। दूसरी बात शुरू से अपने साथ लगे दो करो के आने वाले भी आमदार यही रहेंगे। नहीं 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 मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।